मनु भाकर ने आज ओलंपिक में दूसरा मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद है मनु की माता जी, उन्हीं से जान लेते हैं उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर। क्या कहेंगे माता जी आज जिस तरीके से इतिहास रचा है आज? मेरी प्रतिक्रिया मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। प्रतिक्रिया वो बोलते ना कि जब खुशी होती है ना, उसको शब्दों में हम उस खुशी का हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो अकल्पनीय अवर्णनीय है मेरे लिए आज वो पल, ये जो पल है वो मेरे लिए अवर्णनीय अकल्पनीय है। बिल्कुल, क्योंकि पूरा देश इस लम्हे को देख रहा है, पूरा एंजॉय कर रहा है, पूरा फख्र महसूस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं वो सब देख रही हूँ, आप लोगों की खुशी को देख करके मेरी खुशी में चार चांद लग गए आज कि आप लोग इतना स्नेह मनुष्य करते हैं। प्राउड मदर, आपने ऐसे मदर अगर मन बात करें, क्योंकि माता माँ से बड़ी कोई सहेली नहीं होती, कोई मित्र नहीं होती, तो इस तरह का संघर्षपूर्ण पूरा जो आज इस मुकाम पर है, कितना सहयोग रहा आपका? हम मैं और मनु आपस में बात करते हैं तो मैं बोलती हूँ, मनु मैं कितनी खुशनसीब माँ हूँ कि मेरी जिंदगी में तू आई। तो मनु मुझे बोलती है, मम्मी खुशनसीब तो मैं हूँ जो आप मुझे इस दुनिया में लेके आए। तो हमारी ये बातें चलती रहती हैं, हम एक दूसरे की बातों से इतना खुश हो जाती हैं। मतलब सब जिंदगी में ना, जब से मनु आए ना तब से मेरी जिंदगी बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले नजर आ रहा है आपके चेहरे पर भी, दिख रहा है, पूरी चमक दिखाई दे रही है आपकी। एक वो दौर भी था टोक्यो का, एक टीस, आज लगता है कि आज कहीं ना कहीं कम हुई होगी वो टीस। पता वो क्यों थी? क्योंकि मेहनत में कोई कमी थी नहीं मनु को। मनु ने जो मेहनत करी थी ना, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, वो टोक्यो ओलंपिक के टाइम पे 12 घंटे उसने प्रैक्टिस करी थी। क्योंकि मैं तो देखने वाली हूँ, उसके पापा भी साथ में थे, तो हम लोगों ने तो मनु की मेहनत को देखा। सिर्फ कमी थी तो सिर्फ जसपाल सर की कमी थी, और कोई कमी नहीं थी जिंदगी में। वो पूरी हो गई एज ए कोच जसपाल सर की। अभी मैंने सर को अपनी बेटी को समर्पित कर दिया, अब बनाओ जो बनाना भाई बस। अगर बात करें पेरिस ओलंपिक की, जो पहला मेडल जब जीता उसके बाद जो उनकी प्रतिक्रिया आई मनु की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं गीता को इसके पीछे बताया कारण, तो क्या घर पर भी गीता को फॉलो करते हैं? मेरे पास गीता है, आज भी मैंने रख रखी थी मेरे पास। जब मन के अंदर ज्यादा दबाव होता है, कुछ ऐसे डिप्रेशन टाइप का कुछ लगता है, तो तुरंत गीता को खोल के पढ़ने लग जाओ। उसके अंदर जिंदगी का पूरा सार नहीं था उसके अंदर। हमारी पूरी जिंदगी गीता के अंदर समाई हुई है, पढ़ेंगे तभी गीता हमारी समझ में आएगी। मैंने बहुत बार कोशिश करी पढ़ने की, मुझे बहुत से श्लोक याद आज भी गीता के, तो वो मैं जैसे कई बार और नए श्लोक पढ़ती हूँ ना गीता के, तो मुझे जल्दी से याद होते नहीं है। तो मैं एक श्लोक को पढ़ूंगी, फिर उसकी व्याख्या को 3-4 बार पढ़ूंगी, तब मुझे वो रहता है कि यार इस श्लोक का ये अर्थ है, ये तो बड़ा जिंदगी बच्चा फिट बैठता है ये। मनु ने कब पढ़ना स्टार्ट किया गीता को? मनु ने पढ़ना, मैं हमेशा अपने बैग के अंदर एक नोटबुक, एक मेरी भजन की डायरी और एक मैं गीता रखती हूँ। तो जब भी मुझे लगता है कि बेटी के चेहरे पे आज खुशी नहीं है, तो मैं गीता को खोल के उसको उसके आगे श्लोक पढ़ना शुरू कर देती हूँ। फिर बताते देख मनु जिंदगी का सार देख क्या है, तो जो मनु का जो तनाव होता है ना, वो उस जिंदगी के सार में घुल जाता है। फिर मनु ने सोचा यार गीता में तो बहुत कुछ है, तो फिर उस धीरे धीरे श्लोक सुनना, मम्मी कोई भजन सुनाओ ना, मम्मी कोई श्लोक सुनाओ ना, मम्मी कोई मंत्र सुनाओ ना, क्योंकि इनके अंदर बड़ी शक्ति होती है। यदि मन से करोगे ना, इनके अंदर इतनी शक्ति है, हमारे जितने भी कष्ट है ना वो सब खत्म हो जाएंगे। अभी मानते हैं क्या प्रदेश की चोरियां चोरों से कम नहीं है? मैंने कभी माना ही नहीं, मेरी बेटी हमेशा ऊपर थी और ऊपर ही रहेगी। किस तरह की तैयारियां आने के बाद? तैयारियां मेरे मन में है, बेटा आएगा उसके पेपर है अभी तो खत्म हो गए, पेपर खत्म होंगे वो घर आएगा तब हम देखेंगे कि उसके लिए हम क्या करें, कुछ नया करूं, कुछ अलग करूं, कुछ हटके करूं। जब भी मनु घर से बाहर रहती है, जब वो आती है, तो उसके लिए मैं हर चीज नई करती हूं कि ये देख के उसको खुशी हो, कि ये देख के उसको खुशी हो। मैं हर पल उसका खुशी से भरना चाहती हूं, और मैंने भरी है उसकी जिंदगी में खुशियां भरी है मैंने हर पल, और मैं भरूंगा आगे भी जब तक मेरा जीवन है। ये जीवन मेरा बच्चों के लिए समर्पित है। बिल्कुल, तो देखिए ये थे हमारे साथ मनु की माता जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका जीवन का हर पल मनु के लिए समर्पित है, बच्चों के लिए समर्पित है, और विशेष तौर पर उन्होंने कहा कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, केवल उनका सहयोग करने की जरूरत है। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं जी। क्या कहेंगे इस लम्हे, आप क्या कहेंगे? जैसे जैसे पूछ रहे हैं क्या कहेंगे, उसी टाइम पे ना बाल खड़े हो जाते हैं। तो आप खुशी का अंदाजा लगा सकते हो कि हम बहुत खुश हैं, पूरा देश खुश है एक्चुअली मनु की डबल उपलब्धि पे। और इसके लिए बहुत बहुत देशवासियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि वो इतना मनु के ऊपर भरोसा करते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और इसके लिए सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही आपको सूचना मिली कि मनु ने आज दूसरा मेडल जीता है, तो आपकी एकदम क्या प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी?
पहली प्रतिक्रिया तो मैं और मेरी पत्नी ने हमने आपस में एक दूसरे को वो किया और फिर ऐसा लगा कि बस हमारी जो तपस्या थी, हमने जो भी बच्चे के लिए किया था या बच्ची ने जितना मेहनत किया था उसका भगवान ने फल दिया। और वैसे तो मनु की जर्नी में बहुत लोग शामिल हैं, ज़्यादातर का तो नाम नहीं बता सकते इतने उस छोटे से टाइम में, बट इतने सारे अनगिनत लोग उसमें हेल्प में थे, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल तौर पे टॉप्स एक स्कीम है, OGQ एक स्कीम है, उन्होंने नेशनल राइफल फेडरेशन, हरियाणा राइफल फेडरेशन और आप जो कोच जसपाल जी और स्पेशली मीडिया बंधु जिन्होंने मनु को हमेशा अपनी लाडली बेटी के रूप में उसको हर फ्रंट पेज पे रखा है, तो मैं मीडिया का बहुत बहुत दिल से आभार करता हूँ। बिल्कुल, आज मनु की मेहनत का फल मिला है निश्चित तौर पर, लेकिन एक वो दौर भी था जब टोक्यो में जिस तरह का प्रदर्शन रहा मनु का, तो आज कहीं ना कहीं दो मेडल के बाद वो 30 जरूर कम होती नजर आ रही होगी आज। एक्चुअली मनु का प्रदर्शन टोक्यो में पहला जो मैच था उसमें गनमाल फंक्शन थी नहीं, तो मनु का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा था उस हिसाब से, और एक बार वो सेटबैक लगने के बाद में तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं चुभता रहा कि भाई मेरी पिस्टल क्यों खराब हुई, तो इसी चक्कर में आगे के भी मैच खराब हो गए, और ये माइंड गेम है शूटिंग, तो इसमें अक्सर ऐसा हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि पहला मैच अच्छा जाने के बाद दूसरा मैच उन्होंने वेरी कॉन्फिडेंटली देवर इन द फाइनल, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जो टोक्यो में कमी रह गई थी वो इस बार मनु पूरा करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके का 3 दिन से सम्मान जो मिल रहा है, हम भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, तो क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश से आप बिलोंग करते हैं, तो जो वहाँ माता पिता जो होते हैं कहीं ना कहीं आज भी एक लड़के की चाहत होती है लड़कियों के मुकाबले, तो ऐसे माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मुझे जनरली नहीं देखने को मिलता स्पेशली हमारे हरियाणा में, और रही बात उसकी कि भाई वो क्या वो करना चाहिए, ये मनु की वजह से ये फायदा होगा कि बच्चे स्पोर्ट्स को और थोड़ा सा सीरियसली अपनाएंगे, और जो दूसरे लोग हैं माँ बाप हैं वो भी बच्चों को सपोर्ट करेंगे कि भाई चलो आप करो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में, तो बहुत फर्क आएगा। 12 साल से इंडिया में ओलंपिक का शूटिंग का मेडल नहीं आया था, तो एक साथ दो आने के बाद में बहुत चारों तरफ खुशी है, और पूरी आप देखे होंगे यहाँ पे कितना खुशी का माहौल था, सब पेरेंट्स में, सब बच्चों में, सब यहाँ पे कितना खुशी का माहौल था, वो यही देख रहे थे कि आज मनु भाकर ने किया, कल हम भी करेंगे। बिल्कुल, तो मनु के वापसी के बाद किस तरह का इंतजाम जोश? मनु की वापसी के बाद तो मुझे लगता है कि पहला दिन तो मनु हमारे हाथ ही नहीं आएगी, शायद प्रोग्राम इतने होंगे, और एक दो दिन बाद में जैसे वो आएगी तो हम उसका पसंदीदा खाना बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ मनु के पिताजी, लेकिन कहीं ना कहीं मनु ने दूसरा मेडल जीतकर यह तो साबित कर दिया कि प्रदेश की छोरियां छोरों से कम नहीं है, छोरियां चांद पर जाकर तिरंगा फहरा सकती है, तो वहीं ओलंपिक जैसे बड़ी प्रतियोगिता के अंदर मैच जीतकर परचम भी लहरा सकती है। जी मीडिया के साथ अमित चौधरी, फरीदाबाद।